हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं और आपको इस वाले में स्क्वायर निकालना है इन डेसिमल नंबर्स का बाय डिवीजन मेथड। अगर आपको डेसिमल नंबर का डिवीजन मेथड से सॉल्यूशन करना है तो भी आप सेम प्रोसेस अपनाते हैं कि आपको पहले पेयरिंग करनी होती है, बट यहाँ पे इससे पहले अगर डेसिमल नंबर नहीं होता तो आप राइट हैंड साइड से पेयर करना शुरू करते, बट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो दरअसल आप डेसिमल से इधर पेयर करते हैं और डेसिमल से इधर पेयर करते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मैंने जीरो लिखा और इसे ऐसे पेयरिंग कर दिया। सेम उसी तरह अगर ये भी होता 729, डेसिमल से आप इधर पेयर करते हैं और डेसिमल से पहले पेयर करते हैं। ये 51.84 है तो आपने इसको भी डेसिमल से इधर पेयर किया और डेसिमल के इधर पेयर किया। अगर इसके आगे भी चल के कुछ नंबर होता तो भी आप डेसिमल के बाद इधर पेयर कर रहे होते हैं और डेसिमल से इधर पेयर कर रहे होते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस अपना रहे। आपने फिर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करके 2 के पास आए। अगर आप 1 सोचते हैं तो 1 इंटू 1 1 है, 2 इंटू 2 4 है, ये ज्यादा हो गया 2 से तो आप 1 इंटू 1 1 आएगा। आपने माइनस किया ये 1 बचा और 1 में 1 ऐड किया तो ये 2 आ गया। अब डेसिमल आया है तो आप यहां पे डेसिमल लगा दीजिए और सेम उसी तरह अगला वाला पेयर आपने नीचे लिख लिया और फिर आपने यहां पे कैसे डिजिट ढूंढनी है जिसको उसी चीज से मल्टीप्लाई करके आपको कम से कम इतना या इससे कम मिले। अगर इसको 26 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 156 आपको देता है और अगर माइनस करेंगे तो बिल्कुल नहीं बचा, तो इसका रूट 1.6 होना चाहिए। सेम यहां पर भी इसको ये तकरीबन 2 इंटू 2 4 आएगा, ये 329 एंड 2 में आपको 2 ऐड करना होता है, ये 4। अगर इसको 7 से किया तो 7 7 49 4 एंड 7 4 28 एंड ये 32 है, माइनस किया ये कुछ नहीं बचा। तो यहां पे डेसिमल क्योंकि पहले के बाद आया था आप पहले पे लगाएंगे और जो सेकंड डिजिट था वो 7 था तो इसका अंडर रूट 2.7 होना चाहिए। यहां पे 7 7 49 284 और 7 में अगर 7 जोड़ा आपने 114 और क्योंकि इसके बाद डेसिमल आ गया आप यहां पे डेसिमल लगाएंगे। आप फिर से सोचेंगे कि यहां पे एक ऐसा कोई डिजिट जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके कम से कम इतना या इससे कम आना चाहिए, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, माइनस किया कुछ नहीं बचा तो ये वाला डिजिट तो इसका अंडर रूट 7.2 होना चाहिए। सेम इसी प्रोसेस से आप इसके फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।